हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ सीरीज और मूवीज की हिंदी डब के डिजिटल प्रीमियर के बारे में। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में बिना देरी किए। तो फर्स्ट अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग कोरियन एक्शन क्राइम एडवेंचर टाइप की मूवीज देखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है क्योंकि इसी साल रिलीज हुई स्मगलर्स, इसके इंडियन राइट्स है उसे MVP एंटरटेनमेंट ने एक्वायर कर लिया है और साथ में इसके हिंदी तमिल तेलुगु डब ट्रेलर को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। इसका मतलब है कि आपको इसके हिंदी तमिल तेलुगु डब लैंग्वेज है वो प्राइम वीडियो पर आने वाले समय पर देखने को मिलेगी। फिलहाल उनकी तरफ से डेट वगैरह कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन हाईली चांस है कि आपको अगले महीने यानी दिसंबर के एंड तक देखने को मिल जाए प्राइम वीडियो पर। तो अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग लियो मूवी के डिजिटल प्रीमियर के लिए वेट कर रहे थे इंडिया में, तो उनके लिए अच्छी खबर है क्योंकि नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि इसकी हिंदी के अलावा अदर लैंग्वेजेस की जो प्रीमियर है वो नेटफ्लिक्स पर 24 नवंबर को होगी। तो जो लोग नहीं देख पाए थे थिएटर में तो अब जाके OTT पर देख पाएंगे। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग द मार्वल्स मूवी के डिजिटल प्रीमियर के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन सभी को बता दूं कि जो रिसेंट में अपडेट निकल के आ रही है उसके मुताबिक इसकी डिजिटल प्रीमियर वो बाकी MCU की मूवीज से पहले हो सकती है। जी हां गाइस, जो करंट रिपोर्ट है उसके मुताबिक इसकी वर्ल्ड सर्विस पर डिजिटल प्रीमियर है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में हो सकती है और रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के एंड में ही इसकी डिजिटल प्रीमियर है वो डिज्नी प्लस पर हो सकती है, जिसका मतलब है कि इसकी सभी डब लैंग्वेजेस वो आपको इंडिया में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जनवरी के एंड तक देखने को मिल सकता है। तो जो भी हो, जैसे ही मेरे पास कंफर्म अपडेट निकल के आती है इसके डिजिटल प्रीमियर को लेकर, फिर मैं आपको इसकी जानकारी इसी तरह के एक और नए वीडियो में दे दूंगा। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग हाल ही में रिलीज हुई क्राइम ड्रामा मूवी किलर्स ऑफ द फ्लावर मून की हिंदी डब के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन सभी को बता दूं कि ऑफकोर्स आपको इसकी हिंदी डब वर्जन है वो इंडिया में देखने को मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि आपको इसकी हिंदी डब के डिजिटल प्रीमियर के लिए थोड़ा सा वेट करने को पड़ सकता है। वैसे बता दूं कि इसकी डिजिटल प्रीमियर है वो वर्ल्ड वाइड होगी जनवरी के महीने में, तो हो सकता है कि जब इसकी डिजिटल प्रीमियर वो इंडियन वर्ल्ड सर्विस पर होगी तब इसकी हिंदी डब वर्जन वो आपको बाय रेड सर्विस पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी ज़्यादातर मूवीज़ की जो हिंदी डब वर्जन है वो वर्ल्ड सर्विस पर रिलीज हो रही है बाय रेड सर्विस पर। तो देखते हैं क्या होता है, अगर वर्ल्ड सर्विस पर रिलीज नहीं होती तो फिर आपको थोड़ा सा लंबा वेट करने को पड़ सकता है। तो अगर इन फ्यूचर कोई अपडेट निकल के आती है तो फिर मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। तो अभी के लिए बस मेरे पास इतनी अपडेट है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में। एंटिल देन टेक केयर।